So let's read the question. Present question assertion and reason पर based है. Assertion में कहा गया है a uniform disc of radius r is performing in pure rolling motion on a rough horizontal plane as shown in figure. After some time the disc comes to rest. It is possible only when v naught equals to omega naught r by 2. So, बच्चों गिवन है हमें एक यूनिफॉर्म डिस्क जिसकी रेडियस गिवन है आर और ये परफॉर्म करती है इम्प्योर रोलिंग मोशन एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर. अब कुछ देर बाद डिस्क रेस्ट पर आ जाती है. तो एजर्शन में कहा गया ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वी नॉट लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाए ओमेगा नॉट आर बाय टू. तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को डिनोट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में. So, अब हम लिख सकते हैं यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू न्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन. अब अगर इस डिस्क का मास मान ले m तो इसको इस सरफेस से जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा n दैट इज इक्वल्स टू एम जी. तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर मिल जाएगा म्यू एम जी. सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब जो डिस्क कम्प्लीटली रेस्ट में आ जाएगी इट मीन्स क्या हुआ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी जहाँ ए हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है. तो बच्चों इसमें वी के प्लेस पर पुट कर देंगे हम 0 एंड यू है हमारे पास में वी नॉट देन माइनस ए टी. अब हमें फाइंड करनी है ए की वैल्यू. सो इसके लिए अब हम लेंगे यहाँ पर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा क्योंकि इसको रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था टॉर्क. टॉर्क के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि यहाँ रेडियस है डिवाइडेड बाय अगर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दिया तो दिस इज अल्फा. अब बच्चों यहाँ से एफ को पुट कर देंगे हम जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको पुट कर देंगे म्यू एम जी मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हमारे पास एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. सो बच्चों अब यहाँ से m m कैंसिल हो जाएगा r r कैंसिल हो जाएगा और हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 म्यू जी डिवाइडेड बाय r. ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. अब बच्चों इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं t को. तो t इक्वल्स टू आ जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाय a. बट ए की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से चेक करें तो दैट विल बी अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स से चेक करें तो दैट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ जी बिकॉज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है फोर्स. तो ये आ जाएगा ए के प्लेस पर म्यू नॉट जी. सो दिस इज वी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू जी. ये हुआ इक्वेशन नंबर 3. अब हम बोल रहे हैं कि डिस्क कम्प्लीटली रेस्ट में आ जाती. कम्प्लीटली रेस्ट में आ जाती मतलब वी तो 0 पुट कर दिया एज वेल एज क्या होना चाहिए जो ओमेगा फाइनल है जिसको मान लेते हैं हम ओमेगा वो भी 0 होना चाहिए. तो ओमेगा को हम रोटेशनल डायनेमिक्स से फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो दिस इज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी. अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू भी पुट करनी है 0 एंड ओमेगा नॉट हमें गिवन है क्वेश्चन में. अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2 म्यू जी डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी के प्लेस पर आ जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू जी. सो बच्चों अब म्यू म्यू कैंसिल जी जी कैंसिल और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा वी नॉट का ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय 2. सो वी कैन से दैट एजर्शन इज ट्रू. एजर्शन जो बोला है कि वी नॉट की सिर्फ इस वैल्यू के लिए डिस्क रेस्ट पर आ जाएगी तो ये बात ट्रू है. अब रीजन में बताया हुआ है कि जो बॉडी प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस कंजर्व रहेगा. तो ये बात फॉल्स है बिकॉज जब हम एंगुलर मोमेंटम एल की बात करते हैं विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स के अबाउट कंजर्व रहेगा बच्चों. एक पॉइंट है हमारे पास में बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट है सेंटर पॉइंट क्योंकि दोनों में हमें क्या मिल रहा है V एंड R के बीच में एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री मिल रहे हैं. सो रीजन फॉल्स है. तो हम बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C. थैंक यू.